जा मेरे जीवन में तू समा जा, ए मसीहा तू आ जा मेरे जीवन में तू समा जा, ए मसीहा तू आ जा मेरे जीवन में तू समा जा, ए मसीहा तू आ जा मेरे जीवन में तू समा जा, हे मसीहा तू आ जा मेरे जीवन में तू समा जा, हे मसीहा तू आ जा मेरे जीवन में तू समा जा, मैं भूखा हूँ और प्यासा हूँ आ जा आके समा, मेरे जीवन में तू समा जा, तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे, तेरे प्यार से मुझे भर दे, तेरी शांति मुझको दे दे, तेरे प्यार से मुझे भर दे, मेरे जीवन में तू समा जा, ए मसीहा तू आ जा मेरे जीवन में तू समा जा, मैं भूखा हूँ और प्यासा हूँ आ जा आके समा जा, बिन तेरे मेरा जीवन अधूरा, तू आ जा मेरे जीवन में तू समा जा, हालेलुया हालेलुया, खड़े हो जाएं, हालेलुया 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 आराधना आराधना।
कर मेरा स्वामी मेरा यीशु मेरा जीवन मेरा यीशु हालेलुया 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 मुझ पर दया तू कर दे मेरे जीवन में यीशु जी आना हालेलुया हालेलुया बजाते हुए प्रभु हालेलुया हालेलुया मैं तेरी आराधना करता मैं तेरी ही महिमा गाता हालेलुया 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 इनकी जिंदगी तू बदल
हालेलुया हालेलुया चले आइए चले आइए हालेलुया हालेलुया चले आइए चले आइए हालेलुया हालेलुया झूम लीजिए झूम लीजिए हालेलुया हालेलुया Hallelujah! 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 Jesus ke naam se Hallelujah! Hallelujah! Sare bandhan khul jaye Hallelujah! Hallelujah! Rog bimari dur hate Hallelujah! Hallelujah! Rogi change hone de Hallelujah! Hallelujah! Atma utarne de Hallelujah! Hallelujah! Chule chule Hallelujah! Hallelujah! Logon ko Hallelujah, Hallelujah. Rogi change hone de. Hallelujah, Hallelujah. Sare bandhan khul de. Hallelujah, Hallelujah. Chamatkar hone de. Hallelujah, Hallelujah. Chamatkar hone de. Hallelujah, Hallelujah. Jeevan badalne de. Hallelujah, Hallelujah. Jeevan badalne de. Hallelujah, Hallelujah. Jeevan badalne de. Hallelujah, Hallelujah. Rogi aag. Hallelujah, Hallelujah. Rogi Hallelujah, Hallelujah. Rogi aag. Hallelujah, Hallelujah. Agni utar aaye. Hallelujah, Hallelujah. Swarg dwar khul jaye. 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 Hallelujah, Hallelujah. बंधन टूटे यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से पाप श्राप का बंधन टूटे हालेलुया 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 लबा कंद्रोस में तले सबक शमरा शिंदरवा मरा गुत्रे आ गुत्रे आ गुत्रे आ गुत्रे आ गुत्रे आ गुत्रे राइट नाउ रक्त स्राव की बीमारी चल के राख हो जाए। यहाँ पर कोई है जिसे रक्त स्राव की बीमारी है, अनेकानेक इलाज करने के बावजूद थका, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से इस गंदी बदरू से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को जोड़ें,
यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, बड़े विश्वास के साथ यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से कैंसर की बीमारी को, दुष्ट आत्माओं को, हृदय की बीमारी को, पीलिया, रक्तस्राव, लिकोरिया, सफेद दागों की बीमारी, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, मनमुटाव की सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु के पवित्र पांच घावों की योग्यता से, उसके पवित्र सामर्थ्य लहू की योग्यता से, उसके पवित्र 40 कोड़ों की योग्यता से इन गंदी बदरुओं को आदेश देता हूं, निकलो निकलो यहां से, छोड़ो इन शरीरों को, छोड़ यीशु के नाम से, संदर्भा कुंद्रोस में निद्रोस, छोड़, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से मैं सारी गंदी बदरुओं के, तंत्र मंत्र के हर एक दुष्ट बीमारी पर अधिकार लेता हूं, हर चीज जो यीशु मसीह के राज्य के खिलाफ है, हर चीज जो यीशु मसीह के विरोध में है, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से इनको झला के राख करते हैं, यीशु के क्रूस के नीचे बंधने का आदेश देते हैं, छाओ छाओ यहां से, निकलो यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से। गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा, कोई है जिसे कान में कम सुनता है, कोई है जिसे कान में कम सुनता, कान का पर्दा खराब हुआ पड़ा है, यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू का स्पर्श इस कान के पर्दे पर मिले और अभी और इसी वक्त चंगा हो जाए, बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, बड़े विश्वास के साथ यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, दोनों हाथों को उठाकर, अब्बा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, विश्वास के साथ आराधना आराधना यीशु की, आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की, आदर के साथ यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, चंगाई दाता
करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 आराधना।
आराधना 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 यीशु यरीको से होकर गुजर रहे थे, वहां पर प्यारे भाई और बहनों तिमेउस का बेटा बरतिमेउस रास्ते पर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी और उसे पता चला कि ईसा उधर से जा रहे हैं, वो जोर से चिल्ला उठा और कहने लगा, ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। प्रियजनों, इस अंधे की तरह पुकारना और प्रभु से कहना कि प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मेरे परिवार पर दया कर। यहाँ एक महिला है जो आंसू बहा रही है और प्रार्थना कर रही है, प्रभु आपको शिफा दे रहे हैं, आपके हर एक गुनाह से प्रभु आपको आजाद करता है, आपके घर में आशीषें उतरे, स्वर्ग द्वार खुला हुआ है, आशीषें आपकी हैं प्यारी बेटी, प्रभु ने आपको चंगा किया, जैसा तूने विश्वास किया तेरे जीवन में वैसा हो जाए। मैं चाहता हूं, प्रभु ने कहा कि तू चंगी हो जा, यीशु के पवित्र लहू से तुझे सिर से लेकर पांव तक इस वक्त मसा करता हूं, ब्लेस करता हूं। प्यारे भाई प्यारी बहन, स्वर्ग द्वार खुला है, आशीषें बह रही है, अनुग्रह आपका है, बस मांगते जाना। प्रभु ने कहा मुझसे मांगो और मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, मुझसे मांग और मैं तुझे प्रदान करूंगा। प्रभु से कहना
कि प्रभु मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं, मैं आपको वचन को सुनने के लिए आया हूं, मैं आपकी आराधना करने के लिए आया हूं, मैं निराश हुआ पड़ा हूं, मेरा हृदय टूट के बिखर चुका है, मेरे माँ बाप ने मुझे त्याग दिया है, मेरे भाई बहनों ने मुझे छोड़ दिया है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, मेरे बच्चों ने मुझे घर से अलग कर दिया है। प्रभु मुझ पर दया कर, इन तमाम लोगों को क्षमा कर। प्रभु ने कहा आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे पाप, तुम्हारे कमजोरियां सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान सफेद कर दूंगा। इस वक्त इस वेदी से वो अनुग्रह है और वो दया वो करुणा बह रही है जो आपके घरों की ओर जा रही है। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु कहता है कि तुम मेरी ओर दृष्टि लगा और आनंदित हो जा, क्योंकि जो उसकी ओर देखते हैं वो कभी भी निराश नहीं होते हैं। प्रियजनों ये सुंदर समय है, ये सुंदर समय है। कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि आप पृथ्वी पर की नहीं ऊपर की बातों की चिंता किया करें, आप पृथ्वी पर की नहीं परंतु ऊपर की बातों की चिंता किया करें। तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 17 प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर पर भरोसा रखो जो हमारे उपभोग की सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में हमें प्रदान करता है। बोलो आमेन। हालेलुया हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में हमें देता है। हालेलुया हालेलुया। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुध लेता है, क्योंकि वह आपकी सुध लेता है। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को सीने से लगाएं, प्रभु से कहना कि प्रभु मैं तेरे चरणों में आया, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं अपने जीवन में निराश हो जाता हूं, मैं तुझसे दूर चला जाता हूं, तो मैं संकट में पड़ जाता हूं, तू मुझे स्पर्श कर, तू मुझे छू ले, मैं जैसा भी हूं प्रभु, मैं भला बुरा जैसा भी हूं आप जानते हैं, आप मेरे आंसुओं को देखते हैं, मेरी विपत्ति का विवरण आपके पास है। प्रभु से कहना यदि आप आर्थिक तंगी में हैं तो वो आपको आजाद करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा। यदि आपके कोर्ट कचहरी का केस सफल नहीं हो रहा तो प्रभु से कहना, सिफारिश प्रभु से करना, क्योंकि बाइबल में बताती है धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। अंगीकार करना प्यारे भाई प्यारी बहन, छू मुझे जैसा भी हूं, छू यीशु मुझे छू, छू मुझे छू हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूं अपने हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूं अपने हजूरी अपनी हजूरी से।
हजूरी से ओ अपनी हजूरी से। प्रियजनों, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता है कि आप में से कोई भी व्यक्ति भटक जाए, क्योंकि इसे मालूम है कि जिस तरह भेड़ अगर झुंड से भटक जाती है तो वो शत्रुओं के हाथ पड़ जाती है और वो उसे घायल कर देते हैं, वैसे ही इस संसार का नायक प्रभु की इन भेड़ों को चुराने की ताक में रहता है, उनको नष्ट करने की ताक में रहता है। इसलिए प्रभु प्यारे भाइयों और बहनों नहीं चाहता है कि आप उससे दूर चले जाएं। वो तो आपको आशीष देना चाहता है, वो तो आप पर दया दिखाना चाहता है, आपके बंधनों से आपको आजाद करना चाहता है, वो आपको एक नई आत्मा और एक नया हृदय देना चाहता है। प्रभु कहता है, प्रभु आपको आशीष प्रदान करता है और जब उसकी आशीष आप पर आ जाती है तो अभिशाप भी आशीष में बदल जाते हैं। बोलिए आमीन, आमीन। वेदी विवरण ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5, जब प्रभु आशीष देता है तो अभिशाप भी आशीष में बदल जाते हैं। बोलिए आमीन, आमीन। तो आज अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या का बंधन है, पाप है, श्राप है, तो यीशु के पवित्र सामर्थी वचन से वो इन अभिशापों और श्रापों को तोड़ता है और आशीष में तब्दील कर देता है। बोलो आमीन, आमीन। प्रभु कहता है, जब दुनिया शोक मनाएगी तो तुम आनंद मनाओगे और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। कहता है, तुम्हारा अंधकार ज्योति की तरह चमकेगा। आपका अंधकार ज्योति की तरह चमकेगा क्योंकि परमेश्वर भला है और आपकी भलाई चाहता है। बोलिए आमीन, आमीन। इसलिए फिलिपियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 में प्रभु का वचन ये कहता है कि परमेश्वर आपका हर वक्त प्रबंध करेगा। बोलो आमीन, आमीन। कोई है जिसके लड़के की शादी नहीं होती है, प्रभु ने आपसे आज वादा किया और कहता है कि मैं इस बेटे के शादी की व्यवस्था का प्रबंध करूंगा। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को, मैं इस वचन मैं ग्रहण करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को, यीशु की आराधना हो, यीशु की, यीशु की महिमा हो, यीशु की, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। कोई है जो नौकरी के लिए तरस रहा है, जॉब नहीं मिलती है, कोई भी काम करता है तो सफल नहीं होता है, अंतिम क्षणों में असफलता हाथ लगती है, प्रायश्चित करना प्यारे भाई प्यारी बहन, उन बंधनों से आजाद हो जाना है। याद रखना, लाजर जिंदा हो गया था लेकिन पट्टियां शरीर पर बंधी हुई थी, इसलिए वो खुलकर चल फिर नहीं पा रहा था, और यीशु ने कहा कि इसकी पट्टियां खोल दो जिससे कि ये चले फिरे। अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में देना ताकि हमारे जीवन से वो तमाम पट्टियां जो अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, दृष्टि की बाधा है, श्रवण शक्ति की बाधा है, बोलने में हमारे पवित्रता नहीं है, शरीर में पवित्रता ही नहीं है, रिश्तों में पवित्रता ही नहीं है, इन तमाम बुराई की पट्टियों को खुलने दे, खुलने दे, खुलने दे। राइट नाउ आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से ये सारे बंधन टूटे, सारे बंधन टूटे, गलत रिश्तों के, व्यभिचार के, भ्रूण हत्या के बंधन टूटे। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, और अंगीकार करते जाओ प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। आशीष आपकी है, अनुग्रह आपका है, चंगाई आपकी है, उन्नति आपकी है, सफलता आपकी है, क्योंकि झीलों पे चलने वाला यीशु मेरा चमत्कार दिखाता है। जिस जिस जगह से वो गुजरता था, जिस जिस जगह पर उसके पैर पड़ते थे, उस जगह
वो पवित्र हो जाती थी, वो रास्ते पवित्र हो जाते थे, वो समुद्र के पानी पर चला, प्यारे भाई प्यारी बहन कोई ताकत उसे डुबा ना सकी। उसने आंधियों को शांत किया, उसने समुंदर को शांत किया। वो पिता का अबदी नूर है प्यारे भाई प्यारी बहन, पिता के मुख से पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 में प्रभु ने यीशु ने कहा, मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें दुरात्मा शैतानी ताकतों पर अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, खुश इसलिए हो जाओ क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। बोलिए आमेन 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 आमेन। प्यारे भाई प्यारी बहन, झीलों पे चलने वाला मेरा यीशु मेरा मसीह है, वो नजात के काम करता है। आइए उसकी महिमा के लिए इस गीत को गाएं। झीलों पे चलने वाला ताली बजाकर, तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला और ना बदलने वाला और ना बदलने वाला और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, जीलों में चलने वाला
जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, हम प्रभु के पवित्र लहू के द्वारा अधिकार लेंगे और अपने शरीर को सिर से लेकर पांव तक पवित्र लहू से ब्लेस करेंगे, पवित्र लहू की स्तुति विनती करेंगे। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, हे पिता परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर। आपका जवाब होगा तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी जीभ को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरे मुंह को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरी जीभ को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरे कानों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरी आंखों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरी नाक को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरे हाथों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरे पैरों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरी त्वचा को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरे दिल को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरे लहू को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरे शरीर के हर एक कण कण को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरी इच्छा शक्ति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरी भावनाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरी याददाश्त को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरे चेतन और अचेतन मन को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरे भाई और बहनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरे रिश्तेदारों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरे पड़ोसियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरे दुश्मनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरे शुभ चिंतकों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु मेरी पूरी कलीसिया को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु सभी धर्माध्यक्षों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु सभी पुरोहितों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु सभी धार्मिक भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु ईश वचन के सेवक सेविकाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु पूरे संसार को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु सारी मानव जाति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु सारे राष्ट्रों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु हमारे देश को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु सरकारी नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु राजनीतिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु सभी धार्मिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु सभी अधिकारियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु सभी रोगियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु सभी गरीबों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु सभी बेरोजगारों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु सभी घर लोगों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु सभी अनाथों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु सभी निसंतानों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु हमारी खेती बाड़ी को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु हमारे काम काज को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु हमारी सभी योजनाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु हमारे ज्योति आश्रम को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, हे प्रभु यीशु हमारी कलीसिया को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे,
आपका जवाब होगा तेरे लहू की जय हो, तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, तेरे लहू की जय हो। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए, विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ, तेरा पवित्र लहू लेता हूँ, और अपने सिर से पांव तक, और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ, विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए, मैं अपने जीवन के लिए तेरे लहू के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा संपूर्ण संरक्षण की, संपूर्ण संरक्षण मांग करता हूँ, मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मुझे, आज मुझे हर पाप से, हर पाप से बुराई और प्रलोभन से, बुराई और प्रलोभन से शैतानी हमलों से, शैतानी हमलों से हर कष्ट और बीमारी से, हर कष्ट और बीमारी से अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से महामारी और संदेह से, महामारी और संदेह से क्रोध और विपत्ति, क्रोध और विपत्ति जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध उन सब से, उन सब से सुरक्षित रखिए, सुरक्षित रखिए। मैं अपने परिवार को, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में, आपके हाथों समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। बैठ जाइए। रिजनो सामर्थवान प्रभु यीशु इस रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, वो आपको देख रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को वो चंगाई दे रहा है, किसी को आंसुओं का वरदान मिला है, तो किसी को शरीर में कंपन का वरदान मिला है, तो किसी को अपने बीते हुए कल को भुलाने का वरदान मिला है। हो सकता है आपका बीता हुआ कल बहुत कड़वा हो, उसमें बहुत कष्ट रहा हो। प्रभु कहता है पिछली बातों को भुला दो, देखो मैं एक नया काम तुम्हारी जिंदगी में शुरू कर रहा हूं, और वो शुरू हो चुका है। वचन प्यारे भाइयों और बहनों हमें शुद्ध करता है। वचन के रूप में प्रभु यीशु हमारे बीच में जीवित है, और उसका वादा है मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको चंगा नहीं कर सकती। दवाइयां आपको हो सकता है थोड़े समय के लिए आराम दे दें, लेकिन आपको छुटकारा नहीं दे सकते हैं। छुटकारा देने वाला एकमात्र प्रभु यीशु है। इस दुनिया में चंगा करने वाला तो डॉक्टर हो सकता है जो आपके ऊपर इलाज करे, लेकिन उस रोग से, बीमारी से आजादी देने वाला केवल परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल में बताती है कि प्रभु रोगशैया पर रोगी को सांत्वना देता है और उसका बिस्तर बदलता है। प्रभु रोगशैया पर रोगी को सांत्वना देता और रोगी का बिस्तर बदलता है। प्रियजनों, इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चंगा कर सकती होंगी, लेकिन आपको छुटकारा नहीं दे सकती, आपका मन परिवर्तन नहीं कर सकती। छुटकारा देने वाला, परिवर्तन करने वाला एकमात्र परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जो अपने वचन के द्वारा हमारी जिंदगियों को बदल देता है। उसने आप में से बहुत सारी जिंदगियों को बदल दिया है। आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में, आपके पड़ोसियों के जीवन में उसका अनुग्रह बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। अंगीकार करना, शिकायत नहीं करना। बाइबल कहती मनुष्य शिकायत क्यों करे, इससे अच्छा ये हो कि वह अपने आचरण पर और अपने पापों पर क्या करे, मनन चिंतन करे, उनको छोड़कर प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए। इंसान शिकायत क्यों करे, इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि वह अपने पापों पर मनन चिंतन करे। तो प्रियजनों, मैंने आपसे कहा आज के इस दिन में, शुरुआत में आपसे कहा कि हम प्रभु का घर बनाएं,
हमारी समस्याएं हमसे इतनी दूर हैं जितने जमीन से हमारे घुटने दूर हैं। तीसरी बात, हम प्रभु में रहें तो वो आप में रहेगा, क्योंकि वो सच्ची दाखलता है और हम डालियां हैं। जो डाली उसमें रहती है वो बहुत फलती है, जिसमें वो रहता है उसे जीवन मिलता है, जो डाली उससे जुड़ी रहती है वो बहुत अधिक फल उत्पन्न करती है। आज इंसान के जीवन में अशांति इसलिए है कि उसके अंदर ही अंदर एक अंतर्द्वंद सा छलता रहता है। इस वक्त फादर अशोक नहीं परंतु प्रभु यीशु आपसे बात कर रहा अपने दास के द्वारा और आपको समझाने का प्रयास कर रहा, मेरी बेटी, ओ मेरे बेटे, तेरे अंदर ऐसी कशमकश क्यों है कि तू क्या करे और क्या ना करे। मेरी बातों पर कान लगा, मेरी बातों पर विश्वास कर, मुझ में विश्वास कर, ईश्वर में विश्वास कर जिसने मुझे भेजा है, और मैं और मेरे वचन तेरी आत्मा को जीवन प्रदान करेंगे। बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर हमारी कमी ये रहती है कि जब हम प्रभु की हजूरी में रहते हैं, जब हम पवित्र समागम में भाग लेते हैं, तो उस वक्त कई बार कई लोग ये सोचते हैं कि केवल पुरोहित बोलता है। पुरोहित नहीं बोल रहा, पुरोहित तो आपके सामने चलता फिरता आपके जैसा एक इंसान है, लेकिन उसकी वाणी पुरोहित के द्वारा आपको संबोधित कर रही है कि मैं तेरे पापों को तुझसे इतना दूर कर दूंगा जितना पूरब से पश्चिम दूर है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद संख्या 5 और उससे आगे इस बात पर विचार करो कि तुम कहां थे और कहां से नीचे गिर गए हो। अब तुम मेरे पास लौटो। योएल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं अपना हृदय खोल कर प्रभु के पास लौटना। इसलिए इस वक्त फादर अशोक को नहीं परंतु प्रभु को सुनना, प्रभु आपसे क्या कह रहा है। यीशु आपसे कह रहे हैं, बेटी मैं चाहता हूं तू आजाद हो जा, बेटी मैं चाहता हूं लिकोरिया की बीमारी से तू आजाद हो, बेटे मैं चाहता हूं तू मोतियाबिंद की बीमारी से आजाद हो, मैं चाहता हूं कि तू अपनी खाट उठा और घर जा, जैसा तूने विश्वास किया वैसा तेरे जिंदगी में हो जाए। उसने भीड़ में एक सूखे हाथ वाले को दूर खड़ा हुआ देखा, सारी भीड़ को नजरअंदाज करके उसने कहा आओ आगे आ जाओ, बीच में खड़े हो जाओ। आप जानते हैं मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि एक दिन ईसा एक भीड़ के पास खड़े हुए थे और वहां पर एक सूखे हाथ वाला था। जब फरीजी उनके ऊपर अभियोग लगा रहे थे कि विश्राम के दिन क्या करना चाहिए, चंगा करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मूसा की संहिता में लिखा है कि विश्राम के दिन काम करना नहीं चाहिए, तो यीशु ने भीड़ में खड़े हुए एक व्यक्ति को देखा जिसका हाथ सूखा हुआ था और वो बहुत दूर खड़ा था, और यीशु ने उससे कहा बीच में आके खड़े हो जाओ। वो बीच में आके खड़ा हो गया। अब उसने कहा अपना हाथ बढ़ाओ, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसका हाथ चंगा हो गया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसका हाथ चंगा हो गया। और वही काम प्रभु आज भी करता है, अपने चुने हुए दासों को अपनी जुबान बनाकर अपनी वाणी बनाकर इस्तेमाल करता। बाइबल कहती है वो अपने दूतों को क्या करता है, पवन में उड़ाता और अपने दासों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु अपने भक्तों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। अगर उसके भक्त ने उसके पवित्र नाम पर पूरी सादगी भक्ति के साथ दृढ़ता के साथ यीशु के नाम पर 5 घावों की योग्यता से, उसके पवित्र सलीब की योग्यता से, पवित्र सलीब पर फतेह की योग्यता से, उसके पवित्र मरण पुनरुत्थान की योग्यता से अगर कुछ कह दिया तो वो पूरा हो जाएगा। बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है इनसे कहो कि जो कर्ज में डूबे हैं मैं इनसे कहता हूं कि ये कर्ज से आजाद होंगे, बशर्ते कि ये मेरी कहने पर चलें, मेरी आज्ञाओं का पालन करें। इनका कल्याण होगा, देश में इनका कल्याण होगा, दिल्ली में इनका कल्याण होगा, आया नगर में इनका कल्याण होगा, बुरारी में इनका कल्याण होगा, जहां जहां पर ये रहते हैं उस जगह पर इनका कल्याण होगा। इनसे कहो
कहो कि ये अपने आप को पवित्र करें और कल मैं इनकी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। बोलो आमेन। आमेन। ये वादा है उसका। क्या आप तैयार हैं करने के लिए? तैयार हैं? यहोशुआ ने लोगों से कहा, मैंने निर्धारित कर लिया है कि मैं अपने परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करने जा रहा हूं। तुम जिसे चाहते हो उसे चुनो, तुम जो करना चाहते हो करो। मैंने निर्धारित कर लिया कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा, मैं और मेरा परिवार। प्रभु कहता है, आज तुम अपने आप को पवित्र करो, कल तुम्हारी आंखों के सामने मैं चमत्कार करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु मदारियों के जैसे कोई काम नहीं करता है, याद रखना। प्रभु नजर बंद करने वाले कोई काम नहीं करता है। जो जो कुछ करता है अच्छा करता है, दृढ़ता पूर्वक करता है, विश्वास पूर्ण करता है। उसने लंगड़े चलाए और चलते हैं। जादूगर यहां दिखाता है, वहां पर नहीं होता है, याद रखिएगा। लेकिन प्रभु यहां करता है, वो सब जगह करता है, हर समय करता है और हर समय वो बना रहता है। इसलिए आप सच्चे वचन को सुनकर उसके नाम से चंगे हो जाओ, क्योंकि उसका वचन जीवन देता है। उसका वचन आग है, आग जो भस्म कर देने वाली आग है, जो दोनों तरफ से वार करता है, दुधारी तलवार है, सुनाने वाले को भी काटता और सुनने वाले को भी काटता है। वो डबल एज सोर्ड है। बोलो आमेन। आमेन। ये वचन केवल आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है, ये मेरे लिए भी है। जितना हम बोलते जाते हैं उतना ये शुद्ध करता जाता है, और हम इस वचन में नहाते रहते हैं। और एक दिन जब हम बुढ़ापे की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, बुढ़ापे में पायदान पर पहुंच जाते हैं, तो उस समय हमें फक्र होता है कि इस परमेश्वर के वचन ने हमें शुद्ध कर दिया, हम चंगे हो गए हैं और हमने प्रभु की भक्ति को हासिल किया है। और वो प्रभु आज आपसे बातें कर रहा है। हर दिन जब भी आप आराधना में बैठते हैं, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु के हर प्रकार के उनका ना जो क्या बोलते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन रहा होगा, देखिए बोलने का तरीका, मिलने का तरीका, उसको जरा सोचिए कि वो इंसान थे मेरे और आपके जैसे। कि जब वो प्यार की बातें करते होंगे तो कैसे करते होंगे, जब किसी को डांटता होगा तो कैसे डांटता होगा, चंगा करता होगा तो कैसे करता होगा। मैंने ऐसे ही पिछले दिनों में कुछ भाई बहन गुजरात से आए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि फादर जी, क्या यीशु कभी हंसे थे? क्या यीशु कभी हंसे थे? क्योंकि आज तक किसी भी आर्टिस्ट ने यीशु को हंसता हुआ नहीं दिखाया है। कभी सोचा आपने? हैव यू एवर सीन? कभी आपने इस बात को गौर किया है कि आज तक किसी आर्टिस्ट ने किसी पिक्चर में यीशु को हंसते हुए डिपिक्ट नहीं किया? तो इसका मतलब हम यह समझ लें कि यीशु कभी हंसा ही नहीं। वो भी अपनी मां का बेटा था, वो संसार में रहता था, मेरे और आपके जैसे था, बच्चों के जैसे खेलता था और वार्तालाप करता था। तो प्यारे भाइयों और बहनों, एक विश्वासी और आया और वो इत्तफाक से हमारे लिए लाफिंग जीसस की एक तस्वीर लेकर आया, और वो लाफिंग जीसस की तस्वीर हमने रखी, रोज मेरे कमरे में है, रोज मैं उसे देखता हूँ और बहुत खूबसूरत लगते हैं वो, जब वो हंसते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। उनकी हंसी में इतनी ताकत है, इतना अट्रैक्शन है प्यारे भाइयों और बहनों, कि हम विश्वास नहीं कर सकते। अगर आप उनके जिंदगी के इन पहलुओं पर मनन चिंतन करेंगे और उनको सोचेंगे, उनके साथ आप रिश्ता स्थापित करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप उसको जीते जागते अपने आजू बाजू अनुभव करेंगे, जैसे कि आप अपने प्रिय मित्रों को अनुभव करते हैं। बोलिए आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु आपसे बातें करता है। उन्होंने अपने चेलों से कहा, तुम इन्हें खाने के लिए दे दो, जाओ इन्हें खाने के लिए दे दो। उन्हें पता था तो वो क्या करने वाले हैं। देखिए अधिकार, आदेश, आदेश। फरीसियों से कहा, तुमने मेरे पिता के घर को क्या बना रखा है, डाकुओं का अड्डा बना रखा है, क्या विश्राम के दिन मैं ये काम ना करूं, जिस काम के लिए मैं भेजा गया हूं क्या वो ना करूं। उनके इस बात में प्यारे भाइयों और बहनों बड़ा उत्साह दिखता है। तो यीशु के जीवन के ये जो पहलू हैं, जब हम इनसे जुड़ने लगते हैं,
दैट अट्रैक्ट्स अस. अदरवाइज जब तक हम इन पहलुओं को महसूस नहीं करते कि यीशु कैसा दिखता था, कैसा बोलता था, उसका रुतबा कैसा था, उसकी आवाज कैसी रही होगी, उसकी हंसी कैसी थी, उसके इमोशन कैसे थे, एज लॉन्ग एज यू डोंट अंडरस्टैंड यू विल नॉट बी एबल टू रिलेट टू हिम. तब तक वो सुपरफिशियल रहेगा कि कोई चीज आपको ऐसे यूं ही करके चली जाए. इसलिए उस रिश्ते को समझना, उसके साथ प्यार डालना, उसको समझने के बाद उसको अपनाना और उसको अनुभव करना एवरी डे व्हेन एवर यू गो. जब आप चलते हैं, जब आप रोड पे जाते हैं या टहलते हैं, कोरोना से पहले, कोरोना के बाद तो मैंने गाड़ी बहुत कम चलाई, कोरोना से पहले तक लगभग अकेले यात्रा करने का समय काफ़ी था और मैं काफ़ी लंबे समय तक अकेले कहीं भी जाना तो अपनी गाड़ी उठाकर चले जाना, कभी कभी रात को देर रात तक मैं अकेले ही गाड़ी पर ड्राइव करके 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर बिशप हाउस से अपनी पैरिश में दूर जाना तो मैं जाता था. तो कभी कभी अकेले में एहसास होता था कि इतना अंधकार है, अगर कुछ हो गया तो कैसे होगा. तो मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ. एक बार ऐसे ही लंबी यात्रा पर मैं जा रहा था तो मैं अकेला ही था और मुझे पहुँचना था, इत्तेफाक से उस दिन देर हो गई तो थोड़ा सा असमंजस में था क्योंकि वो रोड जो थी बहुत ज़्यादा अनजान रोड थी. तो जब आप अनजान रोड पर सफ़र करते हैं तो आपको डर लगता है. तो मैंने अपने मन ही मन में कहा कि प्रभु आप आकर मेरे बाजू में बैठ जाइए, आप आकर मेरे बाजू में इधर वाली सीट पर बैठ जाइए. और मैंने गाना लगाया, गाना सुनने का शौक है गाड़ी में, तो गाना लगाया और हम चलते चलते सुनते सुनते मैं चला गया. कोई डर नहीं लगा और कोई भी. ऐसे अनेक मौके आते हैं, अनेक मौके आते हैं. जितने भाई बहन धमोला आकर चले गए हैं प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाजू में एक और दूसरी पल्ली है जिसका नाम बेलपराव है, जहाँ पर 8 वर्ष मैंने बिताए. वहाँ का एक अनुभव शायद मैंने आप लोगों से साझा किया है, कई मर्तबा मैंने वो साझा किया और आज भी वो मेरी यादों में ताज़ा रहता है. उन दिनों मैं वहाँ पर रहता था, हर इतवार को प्रचार करना, वचन सुनाना, सत्संग करना, यही काम हुआ करता था. लेकिन एक मुझे बड़ा शौक था, शाम को एक्सरसाइज करना और खेलने का मुझे बड़ा शौक था. तो उस समय रोज शाम को मैं ये तय करता था कि 6 बजे तक काम समाप्त करना है और उसके बाद गाड़ी उठानी है और 10-15 किलोमीटर दूर जाना है, एक्सरसाइज करके आना है और खेल के आना है. और महीने में कम से कम 10 से 15 दिन ये काम होता था मैं, और रोज मेक श्योर करता था कि मैं करूं. और मैं रोज जाता था. तो एक दिन ऐसे ही उस रोड से गुजरते गुजरते एक भिखारी को मैंने रोड पे पड़े हुए देखा. 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए और 3 महीने तक लगभग उस वे वहां पड़ा रहा. तो मैं प्रवचन सुना रहा था एक दिन इतवार को, और इतवार को प्रवचन सुनाने के बाद मैं शाम को एज यूजुअल एक्सरसाइज के लिए गया. और उस दिन का जो प्रवचन था कि अगर तुमने मेरे छोटे से छोटे किस भाई के लिए, किसी एक के लिए कुछ भी किया तो वो तुमने मेरे लिए किया. तो ये वचन मेरे दिमाग में चल रहा था जब भी मैं उसके विषय में याद दिलाता. क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक अपराध बोध सा था कि मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन इस भिखारी को रोज देखता हूँ जो सड़क के किनारे पड़ा रहता है और किसी लोगों ने एक उसकी झोपड़ी बना दी है, उसी में जंगल के किनारे वो रहता है, लेकिन मैं उतरता नहीं हूँ और उसको कुछ खिलाता नहीं हूँ. दैट गिल्ट फीलिंग केम इन मी. तो मैंने एक दिन अपने कुक से कहा कि आज थोड़ा खाना पैक कर देना, शाम को जाना है, मैं लेके जाऊंगा उधर और उसको दे के आऊँगा. वो भी भूल गई, उसके बाद बना नहीं, फिर लेके नहीं गया. तो एक दिन मैंने कोशिश की कि थोड़ी शॉपिंग अपने लिए भी की और उसके लिए भी की. उसके लिए बंस खरीदे, बंस खरीद के और कन्फेक्शनरी से मैं लेके वापस आ रहा था. तो रात के लगभग 8 बजे थे, अंधेरा था, डर भी लग रहा था, जंगल का रास्ता था, लोग सोचेंगे पता नहीं ये आदमी क्या कर रहा है यहाँ पर, क्यों उतरा है. फिर भी मैंने
गाड़ी का शीशा नीचे किया, हिम्मत नहीं उतरी, उतरने की हुई और मैंने वो लिफाफा जो था बंस का ऊपर से ऐसे ही उसके हाथ में थमा दिया और मैं चलता बना। फिर से थोड़े दिन के बाद फिर से मैंने वही बात को रिपीट किया। फिर उस दिन मैंने कुछ खरीदा और उसके और मैंने देख के आया, उस दिन भी ऐसे ही मैंने उसको उठाया और ऐसे ही दिया। आखिरी बार प्यारे भाइयों और बहनों ऐसा हुआ, बहुत दिन तक जब यही चलता रहा, रोज इधर से आना और मैं रोज उधर से गुजरता हूं, हार्डली 10-20 किलोमीटर दूरी है धमोला से रामनगर की, मैं लगभग रोज गुजरता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, कभी भूलता था कभी कुछ करता था, तो मैं वहां उसको देखकर चला आता था। दो बार दिया, तीसरी बार एक बहुत ही विशेष बात यह हुई कि उस दिन मैंने डिसाइड किया कि आज घर के लिए शॉपिंग करनी है और इसके लिए भी करनी है, तो मैंने काफी सामान खरीदा, उसके लिए खाने के लिए सेब खरीदे, समोसे खरीदे और थोड़े बंस खरीदे और एक पॉलिथिन में डाले, और उस दिन मैं उसको ढूंढ रहा था लेकिन वो मिल नहीं रहा था। काफी दूर आने के बाद अपनी झोपड़ी से लगभग हो सकता है 500-600 मीटर दूर जाने के बाद वो मुझे दिखा कि झाड़ियों में है। मैं अकेला था, रात के 8:30 बज चुके थे और मैं अपनी एक्सरसाइज करके लौट रहा था। मैं उस दिन उसको ढूंढते मैंने देखा कि नहीं दिखा, एक जगह दिखा तो गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के बाद मैं गाड़ी से उतरा, गाड़ी की लाइट्स मैंने ऑन रखी क्योंकि अंधेरा था, कोई सोचेगा पता नहीं ये आदमी क्या कर रहे हैं, इसको उठा के ना ले जाएं कहीं, और मैंने रोड क्रॉस करके उसकी ओर उसके पास गया। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि बहुत सालों से जानता है। तो मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो बोल नहीं पाता था, वो बोल नहीं पाता था, बहुत कम शब्द बोलता था। तो उसके मुख से एक शब्द सुनता था उसको, लेकिन तुतलाता था और ओ करके ही बोलता था। तो एक शब्द उसके मुंह से निकला जब मैंने उसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने बोला इल्ले। इल्ले का मतलब मुझे मालूम नहीं, मलयालम में इस शब्द का अर्थ है मुझे मालूम नहीं, नहीं है। तो मैंने मुझे समझ में आया कि शायद ये व्यक्ति केरला से आया है, तो पर ये केरला से यहां आके क्या कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आप केरला से हैं, तो उसने सिर हिलाया और कहा कि हां मैं केरला से हूं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, उसने मेरी ओर देखा और हाथ ऐसे ही फैलाए, मैंने वो पैकेट उठाया उसके हाथ में रख दिया, उसके हाथ में रख के और मैं अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। मैं बड़ा खुश, ऐसा जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा आज भी वो ठेस पहुंचाता है। हुआ ऐसा कि जब मैं घर चला गया, घर जाने के बाद ये किस्सा मैंने अपने पड़ोसी से जो अन्य धर्मावलंबी हैं उससे मैंने साझा किया कि सर ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा है। तो उस व्यक्ति ने मुझे एक जवाब दिया कि मैंने कहा पिछले 3 महीने से देख रहा था, 3 महीने से मैंने केवल उसे 3 बार भोजन कराया है और इसके अलावा नहीं। तो वो महानुभव के मुख से जो शब्द निकले हैं उसने मुझे झकझोर दिया और उन्होंने कहा फादर जी आपके हाथ से 3 बार खाना खाने के लिए ये आदमी रोड पर पड़ा हुआ था। तो मैंने उससे कहा हम एक काम करते हैं, जब उसने मेरी भावनाओं को टच किया तो मैंने कहा हम एक काम करते हैं आप मेरे साथ चलिए, हम इसको कल ढूंढेंगे और धामपुर नगीना के पास में एक आश्रम है जिसे फादर बिजनौर के फादर्स देखभाल करते हैं, वहां इसकी एंट्री कराएंगे और इसको वहां छोड़ के आएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम दूसरे दिन इसको खोजने के लिए गए, वो आदमी कहीं मिला नहीं, वो आदमी कहीं मिला नहीं। हमने उसको 2 दिन ढूंढा, 3 दिन ढूंढा, बहुत लोगों से पूछा, मालूम नहीं कहाँ है, कौन ले गया उसे, हो सकता है किसी अनाथ आश्रम में ले गए हों, हो सकता है किसी ओल्ड एज में रख दिया। हम ढूंढते रह गए लेकिन हमें नहीं। उस दिन के बाद से मुझे बड़ा बोध, अपराध बोध होता है कि क्यों मैंने ऐसा किया। मैंने उसे केवल 3 बार अपने हाथों से
उतने मेरे मन में इतना अपराध बोध कभी कभी होता है कि मैं आखिर उसको उठाकर उसकी झोपड़ी में क्यों छोड़कर नहीं आया। मैं रात को 8 बजे वैसे ही छोड़ के आ गया उसको। कई कई चीजें, कई कई बातें आपकी जिंदगी को इतना झकझोर देती हैं कि वो समय बीत गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। और इस व्यक्ति ने मुझे याद दिलाया कि फादर, आपके हाथ से खाने के लिए उसे 3 बार खाने के लिए 3 महीने तक यहां पर इंतजार करना पड़ा रोड पर, और हम ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि वो इतने से ही खुश रहा होगा, क्योंकि वो जानता है कि हम मिट्टी के बने हुए हैं और हमें फिर भी वो ब्लेस करता है। हमारी जिंदगी में ऐसे चिन्ह चमत्कार होते हैं, वो किसी भी परिवेश में, किसी भी जगह पर, किसी भी समय, किसी भी मौके पर हमारा इम्तिहान ले सकता, हमारे सामने आ सकता। इसलिए एक भी मौका नहीं गंवाना। उस दिन के बाद से मैंने सीखा कि अब जितनी ज्यादा कोशिश हो सके उतनी ज्यादा इस काम को करना, कि कोई व्यक्ति आपकी नजरों के सामने रह ना जाए, कि वो आपकी सेवा से वंचित हो जाए। इसलिए जब भी हम लोग अब कभी भी कहीं पर खाते हैं, होटल में या कहीं पर भी खाना खाने का मौका मिलता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, खाना पैक करके जरूर ले जाएं, और कोई मिलता है तो उसे जरूर दे दें। आप 10,000 की टेबल खाकर उठते हैं, आपका फर्ज बनता है कम से कम 100 रुपये की एक पोटली बांध के आप निकलें बाहर, गेट के बाहर निकलें, होटल के रेस्टोरेंट के बाहर निकलें, और आप किसी गरीब की सेवा करें। आपके खाने पर आशीष होगी, आपके शरीर पर आशीष होगी, आपके पैसे पर आशीष होगी। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, बिकॉज वो हमारा उत्साह देखता है, नथिंग एल्स। परमेश्वर हमारा उत्साह देखता है, आंतरिक मन देखता है, बाहरी रूप नहीं देखता। हम कितने अच्छे हैं या कितने लंबे कितने चौड़े हैं या कितनी दुआ करते हैं कितनी प्रार्थना करते हैं, वो एक्सटर्नल थिंग्स हैं। लेकिन इंटरनल बात है कि वो हमारे मनों को देखता है, उत्साह को देखता है, कि हाउ मच लॉन्गिंग एंड बिलोंगिंगनेस यू हैव टुवर्ड्स गॉड एंड टू जीसस। हमारी बातों से हमारा इम्तिहान लेता है, और अगर हम इसमें खरे उतरते हैं तो हमें आशीष देने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मैंने कहा, उसने कहा, अगर तुम मेरी बातों को मानो तो मैं तुम्हारे साथ ये सारे काम करूंगा। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, देहात में तुम्हारा कल्याण होगा, घर आने और घर से बाहर जाते समय, दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारी गाय भेड़ और बकरी के बच्चे को भी आशीष मिलेगी। मैं अपने बादलों को आदेश दूंगा कि वो तुम पर आशीष की वर्षा करेंगे। बोलो आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में मेरे परिवार में आपकी आशीष आ जाए। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे इस वक्त। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें, उन तमाम बातों को, गुनाहों को कबूल करें, तौबा करें। जाने अनजाने में हमने ना चाहते हुए भी प्रभु को ठुकरा दिया, उसकी बातों को नहीं माना, उसके आदेशों को नहीं माना। ये संपूर्ण चंगाई का समय होगा। इस वक्त अपने आप को समर्पित करते जाएं, अपने कष्टों को, दुखों को, बीमारियों को, अपनी मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार सास बहू और अपने बीमार बुजुर्गों को समर्पित करें। पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधन टूटें और पवित्र आत्मा आप लोगों पर अधिकार लें। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से बंधन खुल जाएं, रूह की आग उतरे। हालेलुया। हालेलुया, हाथों को उठाते हुए हालेलुया। मैं हूं परमेश्वर
जगह तू हो जा हाजिर। मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, इस जगह तू हो जा हाजिर। अपने रूह के जोर से तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, मेरे सारे बंधन तोड़ दे। Hallelujah, 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 mere jeevan
हालेलुया 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 की गंदी दुष्ट आत्माएं यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आपके शरीरों को छोड़े और जाए। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से हर रोग बीमारी हर वो चीज हर वो बुराई हर वो षड्यंत्र जो यीशु के राज्य के विरुद्ध है आपके शरीर को छोड़े और क्रूस के नीचे बंध जाए। आमीन।
बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा और अनेक प्रकार की तंगियों की दुष्ट आत्माएं, आर्थिक तंगी, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आपके घर परिवार और संस्था से निकले और जाए। आमीन। आदेश देता हूं इन गंदी बदरुओं के लश्करों को, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से इन बच्चों के जीवन से निकलो और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाओ। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या हर प्रकार से आपके शरीर से डिस्कनेक्ट करता हूं, आजाद करता हूं। आई कैंसल एवरी ईविल स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थ्य पवित्र नाम से आपके शरीरों से, आपके घरों से, आपके मन आत्मा हृदयों से, आपके व्यक्तिगत जीवन से हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माओं को डिस्कनेक्ट करता हूं, कैंसल करता हूं। पूर्वजों से चले आए पाप श्राप बंधन यीशु के नाम से टूटे और जल के राख हो जाए। हालेलुया हालेलुया। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाओ। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में आपको आशीष मिले। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से आपके घरों में उन्नति आए। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा आपके जीवन में शांति आ जाए। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से सिर से लेकर पांव तक विलेपन करता हूँ, शुद्ध हो जाओ। आमीन। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम पर आप लोगों को भविष्यवाणियां करने का विश्वास का वरदान मिल जाए। आमीन। पवित्र सामर्थ्य नाम से आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल आ जाएं। आमीन। पवित्र आत्मा के वरदान आपके घर परिवार और जीवन में उतरें। आमीन। 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 ताली बजाएंगे परमेश्वर के इस महान सामर्थ्य के लिए। शतंद्र समंद्रों से मेरे 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 एली 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 स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से। संतला चंद्रे सिमंगुंदलो सुबारा बाकंदने चंद्रो सला चंदले तिमिंद्रा समागो रोबा ये लमा कंसन तंदो चंद्रे समंगंदला रे ली 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 शतरा समंगंदलो समेंगंदरे। हालेलुया 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 हालेलुया। वही है जो कंधे के दर्द से परेशान है, अनेकानेक इलाज करने के बावजूद उनका कंधा उठता नहीं, आधे से ऊपर उठाने में दर्द होता है। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से मैं आपको उसके पवित्र सामर्थ्य से इस बंधन से आजाद करता हूँ। बोलो आमेन। आमेन। अपने हाथ चला कर देख लीजिए, प्रभु ने आपको चंगा किया है। जो कोई इस बीमारी से पीड़ित था, प्रभु ने आपको चंगा किया है। जोरदार ताली बजाकर आप प्रभु का धन्यवाद करें। लंबे समय से माइग्रेन से कोई व्यक्ति पीड़ित है, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। सर्वाइकल का रोग जिसकी वजह से माइग्रेन और सिर में दर्द होता है, प्रभु आपको आजाद करते हैं। बोलो आमेन। आमेन। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आधे मन से यहाँ आए थे, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा अधिक आनंदित महसूस कर रहे हैं। कोई है तो हाथ उठाइए। अगर हैं ऐसे व्यक्ति तो आधे जो आधे मन से आए थे, लेकिन अब संपूर्ण आनंद की अनुभूति उन्हें मिल रही है, हाथ उठाइएगा। 1 2 3 4 5 बहुत सारे लोग हैं। प्रभु ने आपको चंगा किया है। हम उसके महान वरदान के लिए ताली बजाएंगे। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में अपराध बोध के कारण बड़ा परेशान था, प्रभु ने उसको हौसला दिया है और अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। आप आजाद हो गए हैं। अगर वो यहाँ हैं तो हाथ उठाएं। प्रभु ने आपको चंगा किया, अंगीकार करें। आमेन। आमेन। इस भाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं, पीछे बैठे हैं, इस भाई के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस। आप झीलों पे चलने वाले प्रभु हैं, तूफानों को शांत करने वाले प्रभु हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु का वचन बोला जाए और लोग चंगे ना हों, पर ऐसा जरूर हो सकता है कि लोग अंगीकार ना करें।
ऐसा हो नहीं सकता कि अगर प्रभु का वचन बोला जाए और लोग चंगे ना हो, पर ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर लोग उसे अंगीकार ना करें। प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक को प्रभु ने स्पर्श किया किसी ना किसी तरह से। प्रभु ने एक अगुवाई की थी, कान में प्रॉब्लम है, कान के पर्दे में प्रॉब्लम है और वो सुन नहीं पाते हैं। प्रभु ने उस व्यक्ति को चंगाई दे दी। यहाँ है तो आप लोग हाथ खड़ा करें, कान में समस्या है आपको या आपके घर में। देखिए एक बहन है वहाँ पर, हाथ उठाइए, और पीछे एक भाई है जिनको कान में समस्या, प्रभु ने आपको चंगाई दी है। प्यारे भाई प्यारी बहन, मैं आपसे यही कह रहा था, यीशु यही चाहता है कि आप बोले कि मैं चंगा हो गया हूँ। आप उसे बोले कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। जब अंधों ने उससे कहा कि हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, ईसा ने जब उनसे पूछा क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम जानते हो, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हम विश्वास करते हैं कि आप हमें चंगा कर सकते हैं। तो यीशु ने कहा जाओ, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा तुम्हारे जीवन में हो जाए। बोलो आमेन। हालेलुया। एक और अगुवाई हुई थी, बहुत सामर्थवान अगुवाई थी। प्रभु ने कहा कि किसी बेटे की शादी नहीं हो रही है, आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे। प्रभु ने उसके लिए प्रबंध किया। अगर कोई व्यक्ति है इधर, मम्मी है पापा है, तो हाथ खड़ा करें जिनके बेटे की शादी नहीं हो रही है। प्रभु, तीन लोग हैं यहाँ पर, प्रभु ने आपको वरदान दिया है और आपके बेटे की शादी होगी। बोलो आमेन। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। रक्त स्राव की बीमारी से प्रभु ने चंगाई दिया है। प्रभु आप को चंगा करता है। आप आने वाले दिनों में खुद देखेंगे कि प्रभु ने आपके शरीर को छुआ और स्पर्श किया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आंसुओं का वरदान मिला। हाथ खड़ा करिए जरा, देखिए प्रभु के इस महान चमत्कार के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए, क्योंकि वो बाइबल में बताती, हाथ नीचे करिए, बाइबल में बताती कि वो हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करता है। मतलब जब हम रोते हैं, जिस बात को हम बयान नहीं कर पाते हैं, वो पवित्र आत्मा उसको पिता के चरणों में रखता है, वो रोता है, वो आहें भरता है और उसकी बात को परमेश्वर जानता और समझता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ये चंगाइयों को आप ग्रहण करें और अपने जीवन में इनको अनुभव करें। मैंने कहा कि प्रभु के साथ रिश्ता बनाएं, उसको देखें, उसको अनुभव करें, उसको बोलें कि प्रभु मेरे साथ रह जाइए। माता जी वहीं रुक जाइए, समय आएगा गवाही देने का, हम बुलाएंगे बाद में। जी प्यारे भाइयों और बहनों, ये अंतिम क्षण है, आपको गवाही देने का मौका दिया जाएगा आने वाले दो दिनों में। इस वक्त हम अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु के इस महान सामर्थ्य और चंगाइयों के लिए। हम धन्यवाद देंगे, प्रभु ने आज के इस पवित्र दिन में आप लोगों को छुआ, स्पर्श किया, वचन के माध्यम से आपके हृदयों को टटोला है। घुटना टेके इस वक्त हम और आशीष को ग्रहण करने की तैयारी करें। वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही
जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद देंगे, जोरदार, कंजूसी नहीं, जोरदार। आइए खड़े हों, प्रभु को धन्यवाद दें इस समय। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का।